And welcome to this video. How are you? I hope you are totally fine. Today I am discuss about was and were. आज मैं आपको was and were का use करना बताऊंगी कि was and were का use आप कैसे करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको revision के तौर पे बताऊंगी. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में is am are बताया था कि आप कहाँ पे और कैसे use करते हो. तो was और were को अच्छे से समझने के लिए हमें is am are को भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि हम is am are का यूज़ कैसे करते हैं. जब हम is am are को अच्छे से समझ जाएंगे तो was और were को भी समझना हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा और वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि is am are, ये जो तीन हमारे वर्ड हैं, लिंकिंग वर्ब हैं, इसका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए. ओके, यानी एट द टाइम जो चीज़ें, जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, उसको जब भी हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द वॉज एंड वर. वेरी सिंपल इज़ दैट कि वॉज एंड वर का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस में, यानी कि जो हो चुका है, जो चीज़ें हमारी पहले से हो चुकी हैं, जो क्रियाएं हो चुकी हैं, जो वर्क हम पहले से कर चुके हैं, उसे अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू किसी को बताते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं. ओके, बहुत सिंपल है. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इज एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और वॉज और वर्क का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये आप यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा. कम टू द दिस पॉइंट, इज और एम. ओके, इज और एम, इसका यूज़ हम सिंगल नाउन के लिए करते हैं. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था. अब तो प्रेजेंट टेंस में जो वीडियो, प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ें होती हैं उसमें हम इज और एम जहाँ भी यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में उन्हीं चीज़ों को हम वॉज लिंकिंग वर्ब के साथ ऐड करते हैं. मींस कि जिन चीज़ों के लिए, लाइक राम इज़ हंग्री, ये हमने प्रेजेंट टेंस में बताया कि राम भूखा है, यानी कि वो अभी इसी वक्त भूखा है, तो हमने इस वर्ड का यूज़ किया लिंकिंग वर्ब का. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी इस समय बहुत खुश हूँ, यानी प्रेजेंट टाइम में मैं बहुत खुश हूँ. तो हमने करंट की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इज और एम का यूज़ किया. बट अगर हम वही चीज़ें पास्ट में कर चुके हैं और बताना चाहते हैं कि मैं बहुत भूखा था, तो उसके लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं, यानी आई वॉज हंग्री. ओके, सेम आर. आर का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, लाइक वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स के साथ. ओके, उन्हीं प्लूरल नाउन्स में हम जब प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो आर का यूज़ करते हैं, बट उसी प्लूरल नाउन को अगर हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो वर लगा देते हैं. ओके, बहुत सिंपल है, मैं एक बार आपको फिर समझाती हूँ. इज और एम जो कि सिंगल नाउन के लिए लिंकिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, बट उसी को अगर हम पास्ट टेंस में यूज़ करें तो इज़ और एम की जगह पे हम वॉज का यूज़ करते हैं. क्लियर? आर प्लूरल नाउन है और आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है. वी आर हैप्पी, बट अगर हम उन्हीं प्लूरल नाउन को पास्ट टेंस की बात, यानी भूतकाल जो हमारे साथ हो चुका है, तब का अगर बात करें तो हम कहते हैं, उसमें हम आर की जगह वर लगा देते हैं. ओके, इसी चीज़ को मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. मैंने यहाँ पे एक टेबुलर चार्ट बना रखा है, एक तरफ मैंने प्रेजेंट टेंस लिखा है, दूसरी तरफ मैंने पास्ट टेंस लिखा हुआ है. अब इसमें देखिए, एम आर इज मीन्स इज एम आर, तीन जो लिंकिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए गए हैं, जैसे आई एम, वी आर, यू आर, ही शी इज अ सिंगल नाउन इज लगाए, दे प्लूरल नाउन है, आर लगाए. बट
यही चीज़ें जब हम पास्ट टेंस में आपको डिस्क्राइब करेंगे तो आई सिंगल नाउन है, वॉज लगा दिया, वी प्लूरल नाउन है, वर लगा दिया, यू प्लूरल नाउन है, यहाँ भी हम वर लगा देंगे, ही शी सिंगल नाउन है, बट चूंकि वो काम पास्ट में हो चुका है तो हम इसकी जगह वॉज का यूज़ करेंगे, दे प्लूरल नाउन है, वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका बहुत क्लियर है कि अगर हम जो भी चीज़ें प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो इज एम आर होता है, बट अगर उन्हीं चीज़ों को हम पास्ट टेंस के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें इज एम आर की जगह पे वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज अ स्टूडेंट 10 ईयर्स एगो। मैं ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है, सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज आई के साथ वॉज का यूज़ किया है। बट इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट में लिखना हो तो हम लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट नाउ, यानी मैं इस वक्त एक छात्र हूँ। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैंने पास्ट में लिखा है तो आई वॉज अ स्टूडेंट 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले मैं भी एक छात्र था। ठीक है, कॉन्सेप्ट टू बी वेरी क्लियर, वॉज और वर्ब इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का ही एक फॉर्म है वॉज और वर्ब, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इज एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, यानी जो हमारे साथ अभी हो रहा है, और वॉज और वर्ब का प्रयोग, लिंकिंग वर्ब का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो पास्ट टेंस में हमारे साथ हो चुका है। ओके, बहुत सिंपल है, आई होप आप इसको करेंगे और अच्छे से। मैं चाहूँगी ये टेबुलर चार्ट आप भी बना के रखें घर पे, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस टाइप का एक टेबुलर चार्ट बनाए और बच्चों को डेली रीड करने के लिए कहें, जिससे वो रीड करेंगे तो उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और वो छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने आप ही बना सकेंगे। मैं एक बार और आपको डेफिनेशन क्लियर कर देना चाहती हूँ वॉज और वर की, कि वी यूज़ वॉज वर टू टॉक अबाउट थिंग इन द पास्ट, मीन्स कि हम वॉज और वर का यूज़ तब करते हैं जब वो चीज़ भूतकाल में घटित हो चुकी है। इज एंड एम बिकम वॉज एंड आर बिकम्स वर इन द पास्ट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जहाँ हम इज एंड एम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में इज और एम की जगह पे हम वॉज का यूज़ करते हैं, और आर का यूज़ जहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, पास्ट टेंस में हम वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको इस चार्ट के थ्रू अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट वरी गाइस, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस से इसको एज अ रिविज़न के तौर पर डिस्क्राइब करूँगी और आप बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। सो डू इट एंड कीप प्रैक्टिस at your home, okay? Tomorrow I will come with not a new topic. Same topic, was were, with some exercises. क्योंकि exercises जब आप करेंगे तो आपका concept और भी ज़्यादा clear होता चला जाएगा. Okay? So have a nice day.